जादुई स्मार्ट वॉच। रामापुर नाम के गांव में शिवा नाम का एक युवक रहता था। शिवा बहुत अच्छा आदमी था। शिवा गांव में सबकी मदद करता था। एक बार रामापुर में मेला हो रहा था। उस मेले में गांव के लोग आए। गांव का बड़ा सीतैया सबको भोजन खिलाने लगा। गांव में त्योहार का माहौल था। तभी वहां पर एक स्वामी जी आते हैं। आते आते ही वो स्वामी जी गांव वालों से, शंभो शिव शंभो, गांव वालों सतर्क रहो, बहुत जल्द इस गांव में एक दुर्घटना घटने वाली है, मेरी बात सुनकर मेरे कहे जैसे करो, कहा। तब उन गांव वालों में से एक, क्या तुम तो स्वामी जी कम और ड्रामेबाज ज्यादा लग रहे हो, बड़े बड़े सिनेमा डायलॉग्स बोल रहे हो, कहा स्वामी जी। तब, मूर्ख तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, कहा। तब गांव का बड़ा सीतैया, देखिए स्वामी जी, इस गांव में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं ही इस गांव का बड़ा हूँ, मेरे जानकारी के बगैर इस गांव में कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो 10-20 रुपए देंगे बस, मगर ऐसे तुम हमें डराकर माहौल बिगाड़ो मत, कहा स्वामी जी। तब, अब मैं चाहे जो भी बोलूं तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, मगर मैं जो कह रहा हूं वो जरूर होगा, तब आप लोग खुद मुझे ढूंढते हुए आओगे, मैं नलमला जंगल में एक बड़े वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते रहूंगा, तब आकर मुझसे मिलना, अब मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, शंभो शिव शंभो, कहा। तभी शिवा वहां पर आकर उनकी बातें सुनता है। शिवा को उस स्वामी जी की बातें सच लगती हैं। एक बार शिवा एक काम के लिए शहर को जाता है। तब उस गांव को एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आदमी आता है। वो, कोल्ड ड्रिंक भाई, कोल्ड ड्रिंक, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहकर पुकारता है। ये सुनकर गांव वाले आकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी वहां पर गांव का बड़ा आकर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले से, भाई तुम कौन हो, हमने तुम्हें पहले इस गांव में कभी नहीं देखा, वैसे तुम कोल्ड ड्रिंक को मुफ्त में क्यों बेच रहे हो, ऐसे करने से तुम्हें क्या फायदा है, कहा। तब वो आदमी, सर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको मैंने इसमें कुछ दवा मिलाया कहकर शक है तो ये देखिए, आपके सामने ही मैं ये कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, कहकर कोल्ड ड्रिंक पी गया, उसे कुछ नहीं हुआ। तब वो, सर ये हमारे कोला कंपनी वालों के प्रमोशन के लिए दिए सैंपल कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन फ्री कोल्ड ड्रिंक से हम प्रचार करते हैं, इसके बाद आप इसे पैसे देकर खरीद सकते हैं, कहा। ये सुनकर गांव का बड़ा भी उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है। बस एकदम से गांव वाले ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सब वो कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला व्यक्ति जो कहता है वो सब करने लगते हैं। तभी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आदमी एक मांत्रिक के जैसे बदल जाता है। वो, जज जनका, इस गांव के मंदिर में मौजूद मूर्ति को चुराकर कल आने वाले अमावस्या के दिन इसके सामने बकरी की बलि चढ़ाए तो बस है, मैं इस पूरे दुनिया पे राज कर सकता हूँ, कहकर उस मंदिर में से मूर्ति को लेकर जाता है। शहर से आए शिवा को गांव वाले ज़ॉम्बी बने हुए दिखते हैं। और मंदिर से मूर्ति गायब होना भी गौर करता है। तभी उसे स्वामी जी की बातें याद आती हैं। स्वामी जी को ढूंढते हुए नलमल्ला जंगल को जाता है। तब वो स्वामी जी तपस्या करते रहते हैं। शिवा के आते ही वो स्वामी जी आंखें खोलते हैं। शिवा के कुछ कहने से पहले ही स्वामी जी, शिवा तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गांव को आने वाले का नाम महामांत्रिक जुगुम्बा है, वो आपके गांव के मंदिर में मौजूद भगवान की मूर्ति को चुरा कर ले गया है, कहकर जुगुम्बा क्या करने वाला है सब बताकर, शिवा तुम कारण जन्मी हो इसलिए सही समय पे तुम तुम्हारे गांव से बाहर गए थे, तुम्हें ही गांव वालों को बचाना है, कहकर हवा में हाथ घुमाते ही एक जादुई स्मार्ट वॉच प्रकट होती है। उसे देखकर शिवा आश्चर्य में पड़ जाता है। स्वामी जी तब, शिवा ये जादुई स्मार्ट वॉच है, आपके इस्तेमाल करने वाला वॉच नहीं है, ये एक चमत्कारी वॉच है, इसकी मदद से तुम्हें जो चाहिए वो पा सकते हो, कहकर वॉच को कैसे इस्तेमाल करना है बताता है। ऐसे शिवा उस वॉच को पहनकर स्वामी जी को नमस्कार करके शंभो शिव शंकर कहते ही वहां से गायब होकर
मांत्रिक जुगुम्बा के पास प्रकट होता है। शिवा को देखकर जुगुम्बा ऐ मानव, तुम मुझसे युद्ध करने आए हो क्या? तुमसे ना हो पाएगा, कहकर अपने हाथ में के जादुई छड़ी को शिवा की ओर करता है। उस छड़ी से रोशनी आती है। शिवा अपने वाच से अपने आप को बचा लेता है। बाद में उस वाच की मदद से मांत्रिक लिलीपुट के जैसे बदल जाता है। शिवा उस मांत्रिक से, मेरे गांव वालों को पहले के जैसे बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मेरे पैरों के तले चींटी के जैसे कुचल दूंगा। मैं मेरे गांव वालों को स्मार्ट वॉच में देखता रहूंगा, कहा। बस मांत्रिक डर के उन्हें पहले जैसे बना देता है। शिवा उस वॉच पे एक बटन को दबाते ही वो मांत्रिक उस वॉच के अंदर चले जाता है। शिवा वॉच की मदद से उस गांव में भगवान की मूर्ति लाता है। गांव वाले शिवा के साहस का अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी के आते ही शिवा उन्हें वॉच दे देता है। स्वामी जी मूर्ति को फिर से मंदिर में प्रतिष्ठापना करते हैं। वॉच में बंदी हुए मांत्रिक को स्वामी जी लेकर चले जाते हैं।